हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे फाइनेंशियल मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑनलाइन ट्रेडिंग सेटलमेंट सिस्टम इन अ वेरी इजी वे। इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो हम यहां पर पढ़ेंगे, दैट इज सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। सी, व्हेनेवर एन इन्वेस्टर वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट हिज मनी इन स्टॉक मार्केट और वॉन्ट्स टू डिस इन्वेस्ट वट एवर अमाउंट ही हैज इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, दैट मीन्स सेलिंग ऑफ शेयर्स, फॉर दैट सबसे पहले ही हैज टू साइन अ ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट एंड क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और इसमें हमें पैन नंबर की डिटेल देनी मैंडेटरी है, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द इन्वेस्टर्स, रेजिडेंशियल स्टेटस वेदर ही इज एन NRI और एन इंडियन, बैंक डिटेल्स, नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर जिसके साथ वो रजिस्टर्ड है, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स एंड क्लाइंट कोड नंबर ऑन द क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो पहला स्टेप क्या है बेटा, यहाँ पर हमें एक ब्रोकर सिलेक्ट करना है जिसके साथ हम साइन करेंगे ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट और क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सेकेंड स्टेप है ओपनिंग ऑफ डीमैट और बेनिफिशियल अकाउंट। व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम अपनी सिक्योरिटीज की जो फिजिकल फॉर्म है उसे कैंसिल करके उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब हम ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट करते हैं तो साथ ही हमें बैंक अकाउंट भी ओपन करवाना पड़ता है। सी, यहाँ पर यू कैन सी द फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दैट इज ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट और बेनिफिशियल अकाउंट। एंड द थर्ड स्टेप इज प्लेसिंग एन ऑर्डर, जहां पर इन्वेस्टर ऑर्डर प्लेस करता है अपने ब्रोकर के साथ कि वो शेयर्स बेचना चाहता है या खरीदना चाहता है और उसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स किस प्राइस पर वो डील करना चाहता है। और उसके बाद जो ब्रोकर है ही इश्यूज अ ऑर्डर कन्फर्मेशन स्लिप जिसपे वो बेस्ट प्राइस जो अवेलेबल है या जो भी प्राइस मार्केट में है उसके लिए डील के लिए वो जो है वो डिस्कस करके उसको स्लिप दे देता है। एंड आफ्टर गिविंग स्लिप द नेक्स्ट इज मैचिंग द ऑर्डर। आप जो ब्रोकर है वो बैठेगा ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज पर और बेस्ट प्राइस के लिए जो है वो डील डन करने की कोशिश करेगा, और जैसे उसे फेवरेबल डील मिल जाएगी ही विल एग्जीक्यूट द ऑर्डर। And when the shares can be bought and sold at price mentioned, it will be communicated to broker's terminal. और order electronically जो है वहां पर execute हो जाएगा। अब broker जो है यहाँ पर trade confirmation slip issue करेगा investor को। उसके बाद आता है contract note, which is a legal document. Trade execute होने के 24 hours के अंदर contract note issue होता है। बहुत ही important document है जिसपे एक unique order code होता है जो assign करता है stock exchange. See, this is the copy or specimen copy of contract note, जहाँ पर आप देख सकते हैं broker की detail, client की details, contract number, date of contract, then transaction details, सब कुछ जो है mention होगा, including the brokerage fees which has been charged by the broker. Then come delivery of shares and payment of shares bought. अगर मान लो आप shares को बेच रहे हो तो आप उसकी delivery करोगे, और अगर आप shares खरीद रहे हो तो उनके लिए payment करोगे। अब इन्वेस्टर क्या करेगा, जो भी शेयर्स वो बेचना चाहता है या जो शेयर्स खरीदना चाहता है उसके लिए कैश जो है वो सबमिट करेगा स्टॉक एक्सचेंज को, एंड दैट डे इज नोन एज पेइंग डे। देखो, अगर आप शेयर्स बेच रहे हैं तो शेयर्स आप सबमिट करेंगे, और अगर आप शेयर्स बाय कर रहे हैं तो आप कैश सबमिट करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के साथ, और इसे कहा जाता है पेइंग डे। इसके बाद हमारे पास सेटलमेंट ऑफ डील आता है जहां पर कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड ऑन पेइंग डे। अब आपके पास स्टॉक एक्सचेंज के पास कैश आ गया या सिक्योरिटीज आ गई हैं, विच इज बिफोर द टी प्लस टू डे। अब क्या होगा, ऑन टी प्लस टू डे जो एक्सचेंज है हमारा स्टॉक एक्सचेंज वो डिलीवर कर देगा शेयर्स को या पेमेंट कर देगा अदर ब्रोकर को, और इसे कहा जाता है पे आउट डे। और जैसे ही ये शेयर्स जो है वो डिलीवर हो जाएंगे दूसरे ब्रोकर को, वो उसको डायरेक्टली डीमैट फॉर्म में जो है इन्वेस्टर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। और अगर मान लो शेयर सेल हो रहे हैं तो वहां पर जो भी पेमेंट मिली है ब्रोकर को स्टॉक एक्सचेंज से वो इन्वेस्टर को ट्रांसफर कर देगा। स्टॉक एक्सचेंज जब ये पेमेंट देगा या शेयर्स डिलीवर करेगा अनदर ब्रोकर को, दैट पीरियड इज नोन एज पे आउट डे।